बारह सुल्ला हो रहा है करेंगे, मतलब अभी आपके भाई को बेड पे होना चाहिए था, बट आपका भाई टीवी के सामने बैठा हुआ था। सो आपके भाई का नींद टीवी ने कुछ देर के लिए उड़ा लाला है, तो भाई अब करे तो क्या करे। वास्तव में हुआ ये कि आज आपके भाई का जो शेड्यूल था इतना टाइट था, कनेक्ट मतलब जो मेरे को लगता है 11 बजे से मैं निकला था, रात को 8 बजे तक बिजी था, और उसके बाद रेस्ट करने का बड़ा इच्छा था, बट डिनर तो करना था। बट डिनर करने जब बैठता है तो अक्सर लोग टीवी खोल के बैठ के देखते हैं, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट टीवी में फंस गया और हाँ इतना टाइम तक पहुंच गया। तो भाई जो रेस्ट मुझे करना था, सो आँख से नींद थोड़ी चली गई और लगता है लेट में होगा। तो भाई इतना दिन से हो ये रहता है कि आपके भाई को कुछ चीज़ में मन नहीं लग रहा था, मतलब कहने का मतलब कुछ उदास सा था, सो कुछ हो नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश किया, खैर ये जानने के लिए आपको पीछे 2-3 दिन पीछे जाना होगा। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो भैया सुबह के 12 बज रहे हैं, कहने का मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, और फिलहाल कुछ इतना कड़ी धूप है। हालांकि आपका भाई सुबह 7:30 बजे या 7 बजे उठ चुका था, और वो समय का नज़ारा कुछ ऐसा था। देखा आपका भाई कितना पैसा बचाता है भाई, फ्यूचर में तरक्की करने वाला है भाई। अपना उधर का भी और इधर का दोनों काम हो गया, कहने का मतलब भाई बाल वगैरह, बाल तो बोलना गलत है, अपना टकला भी साफ हो गया और अपना शरीर भी साफ हो गया। और भाई आपका भाई को नहाते नहाते तकरीबन 12:40 हो गया। यार स्टूडेंट लोग को इतना टाइम वेस्ट करना सही है? तो भाई क्या कहा था मैंने, देखते ही देखते शाम हो जाएगा, कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के 6 बज रहे हैं, वाह, और मौसम तो एकदम से ठंडी की हुई है। रात के 11:35 हो रहे हैं, और पहली दफ़ा ऐसा है कि यार मौसम भी सुहावना है, सब चीज़ बढ़िया है, बट मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बोले तो कुछ चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्यों पता नहीं यार, ये 2 दिन से ऐसा हो रहा है। वो क्या है ना जी, बात कल की है, आपका भाई रात में सो रहा था बट नींद आ नहीं रही थी, बट नींद आ भी गई, पर 3 बजे नींद टूट भी जाती है, उसके बाद से नींद आती ही नहीं है। सो अब कर क्या सकते थे, तो भाई 5 बजे टहलने निकल गया, काफ़ी दिन बाद मॉर्निंग में निकलना हो रहा है। गुड मॉर्निंग जी, सुबह के 6 बजे और धूप काफ़ी निकल गया है, मतलब इतना जल्दी इतना धूप, काफ़ी दिन बाद सुबह निकलना हुआ है, तो फील हो रहा है कि भाई इतना जल्दी सुबह हो जाता है, अक्सर तो 9-10 बजे उठना हो रहा था। ऐसे काफ़ी दिन बाद मुरादाबादी आना हुआ है, तो लग रहा है जैसे नॉर्मल डे है। भीड़ भाड़ भी काफ़ी है, मतलब उतना नहीं पर चहल पहल काफ़ी है, और मतलब नॉर्मल डे की तुलना में कम है, पर काफ़ी दिन बाद ऐसा नॉर्मल डे देख के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यार सच कहूँ तो आज आपका भाई को मूड नहीं है यार एक्सरसाइज करने का। हेलो जी, आज है 3 जून, और काफ़ी दिनों के बाद, कहने का मतलब 2 महीने के बाद आपका भाई कुछ काम से बाहर निकल रहा है। कहने का मतलब उतना दिन से तो भाई घर पे ही, और ऐसे भी निकलना होता था तो कुछ लेने निकलता था, बट आज कुछ काम से निकल रहा है। बट इतना दिन बाद आपका भाई निकलने के लिए
हुआ ये, कपड़ा ढूंढ रहा था भाई पहनने के लिए, पता चलता है यार 2 महीना से तो हाफ पैंट और टी शर्ट में घूम रहा था, तो यार आज कपड़ा मिल ही नहीं रहा है मतलब कुछ पहनने को ढंग का। हाँ तो फिलहाल निकलता हूँ काम। लो जी, तो कुछ ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है। करने का मतलब यार इधर 2-3 दिन से मन नहीं लग रहा था, और जिस दिन मन लगा उस दिन इतना बिजी था कि कुछ हुआ नहीं, सो उधर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। हाँ तो भाई आपके पास मतलब आपके भाई के पास दिखाने के लिए वैसे कुछ था नहीं, तो सोचा कि बता ही डालता हूँ। खैर बोरिंग था बट सॉरी। हाँ पर आपके भाई के पास बताने के लिए 2 स्टोरी है, दोनों स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बट इससे ये स्टोरी हमारे समाज की हकीकत को दर्शाता है, तो भाई ध्यान से सुनना। हालांकि आपके भाई को उतना अच्छा से डिस्क्राइब करने नहीं आता, बट कोशिश करता हूँ डिस्क्राइब करने का। भाई अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और ना लगे तो डिसलाइक ही कर देना। तो चलिए पहला नंबर स्टोरी पे आते हैं। पहला स्टोरी क्या है ये जरा आर्टिकल देखना, मैं ये आर्टिकल देख रहा था तो इसमें मैं जरा इम्पोर्टेंट पढ़ूँ, उसमें लिखा क्या हुआ है। छपरा की गोदना गढ़ देवी माँ के मंदिर परिसर और गोपालगंज के हथुआ इलाके में कुछ गांव में सोमवार को महिलाओं को पूजा करते देखा गया। महिलाओं ने पहले 1 फीट गड्ढा खोदा और उसमें 9 जगह सिंदूर लगाया, और फिर 9 लड्डू 9 लौंग 9 उड़ूल फूल के फूल को उसमें डाल दिया, फिर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। इस बारे में पूछने पर महिलाओं ने बताया कि वे कोरोना माई की पूजा कर रही है। महिलाओं ने बताया कि मोबाइल पर एक वीडियो आया था, ये गौर कीजिएगा, मोबाइल पर एक वीडियो आया था जिसमें बताया गया था कि खेत में 2 महिलाएं घास काट रही थी, वही बगल में एक गाय घास चर रही थी। कुछ देर बाद गाय महिला बन गई, जिसके बाद उसे देखकर घास काट रही महिला डर से भागने लगी। तब गाय से महिला बनी औरत ने कहा कि आप लोग डरे मत, हम कोरोना माई हैं, कोरोना माता है, अभी हम नाराज है जिसका ही प्रकोप आजकल कोरोना के रूप में देखा जा रहा है। तो भाई ये जो आर्टिकल है मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद होता ये है कि भाई मैं आर्टिकल पढ़ के उसके बाद लोग पढ़ता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, बट कि ये जो घटना है जो भी जहाँ का भी है ये घटना यार फिर देखने को कहाँ मिला, ठीक हमारे बस्ती में बस्ती का बात ही छोड़ो, बस्ती में क्या हमारे घर में देखने को मिला। उसके बाद हुआ ये कि यार ये घटना पता नहीं कहाँ से फैला, भाई ये वीडियो कौन बनाता है ये तो हमको नहीं पता यार, मतलब ऐसा क्या बोले, तो ऐसा कुछ यहाँ की एक महिला को पता चलता है। ये महिला धीरे धीरे सारी मोहल्ला की जितनी भी महिला है उसको ये खबर पहुँचाती है, और ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ला में फैल जाता है, और जितनी भी मोहल्ला में लेडीज है सब पूजा पाठ करने की तैयारी करता है। ये देखने वाली बात है यार, मतलब एक महिला पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला सकती है, बट सोशल नेटवर्क से भी ये बोला जा सकता है ना फास्ट है, तो कुछ ऐसा ही। हाँ तो ये जो भी चल रहा था मोहल्ला में तो बात चल रहा था, पर ये बात हमारे घर तक पहुंची, मेरी मम्मी बात सुनती है ये, और ये इस मतलब पूरा वो लोग का बात सुन के इन्फ्लुएंस हो जाती है, और फिर वो भी पूजा करने के लिए हमारे से लड्डू वगैरह लाने को बोलती है। बट मैं काफ़ी समझाया ये ऐसा वैसा कुछ, बट होता क्या है माँ बोलती है हाँ बात तो सही है बट करने में क्या जाता है, कर देती हूँ यार क्या डायलॉग था। उसके बावजूद मैं फिर भी भाई बोले करना मतलब लोगों के साथ चलना होगा ना, लो लास्टली मेरे को लाके देना हुआ और मम्मी जाके पूजा की, मेरी मम्मी क्या पूरी माल ला कर। तो भाई ये जो अंधविश्वास है, सच कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ ये किसी को नहीं पूछता, अंधविश्वास ऐसा चीज है जो दोनों को अटैक करता है, पढ़े लिखे वाले लोग भी इस पे विश्वास करते हैं, तो भाई ये अंधविश्वास का क्या इलाज है हमको नहीं पता भाई, इसका कैसे होगा उपचार आप ही बताओ। तो भाई सच कहूं तो मुझे तो एकदम चलिए, ये तो थी पहली स्टोरी। तो भाई अब आता हूं दूसरा नंबर कहानी पे। दूसरा नंबर कहानी क्या है,
पहले ये वीडियो क्लिप्स देखो। मैंने भी ये वीडियो क्लिप्स देखा तो यार अंदर से खून खौल गया बोलो, या फिर क्या मतलब दिल सिसक गया, क्या बताऊँ यार। हाथी को पूरे देश मतलब इंडिया में भगवान माना जाता है, माना तो जाता है, बट केरल में, केरल उतना शिक्षित राज्य होते हुए भी ऐसा घटना केरल में लगा। और होता क्या है यार, कोई कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब एक मतलब गर्भवती हाथी जिसको काफी भूख लगा हुआ है यार, और उसको मतलब कुछ खाना है यार, आदमी पे भरोसा, मतलब भरोसा ही बोला जाएगा यार। कोई बंदा ऐसे कैसे, मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार। मतलब अनानास में फटेका, मतलब फटेका वाला अनानास उसको खिला देता है, और वो खाने के बाद होता ही है कि उसके मुंह में फटना फट जाता है, और फिर वो अपना दर्द मिटाने के लिए किसी तरह पानी तक पहुंचती है और वहां पर मर जाती है। तो वही ऐसा तो कोई जल्लाद ही कर सकता है, मतलब कैसे कोई कर सकता है यार। ये दोनों स्टोरी से यार, एक तो समाज में अंधविश्वास, और दूसरा ये कि भाई आदमी कितना क्या बोलते हैं, क्रूर होता है। तो भाई अब क्या बताऊं यार, ये वीडियो देख के तो ऐसा भी मेरा दिल पसीज, मतलब दिल पसीज गया, खून खौल गया, जो भी बोल सकते हो यार। ऐसी घटना तो नहीं घटनी चाहिए थी। खैर यार, ऐसा वीडियो लंबा हो रहा है तो आज यही खत्म करते हैं। तो भाई कैसा लगा बताना जरूर, लाइक डिसलाइक करके। तो भाई आज के लिए इतना ही, तो मिलता हूँ कल, बाय।